So welcome back, guys. We are back after a short break for session one of week three. So until now, the design we intended was is somehow none right now. और अभी जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके जो डेटा मॉडल्स हैं वो डिजाइन करें, और थोड़ा जो बैकएंड की चीजें हैं या जो एक्चुअल लॉजिक वाली चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. सही. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है, सही है, पिशावर म्यूजियम, ये जो फर्स्ट टाइल है, ये जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है. ओके, सो दिस इज अवर होम. यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट व्यूज थे, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है और दूसरा हमारे पास वर्टिकल लिस्ट व्यू ऑफ न्यूज न्यूज एंड एग्जीबिशंस हैं, ये वाला. सही है. तो अगर आप लोग ये देख लें कि हमारे पास म्यूजियम टाइल है, सही है. अब म्यूजियम टाइल तो हर बार इस तरह नहीं होगा ना, आपके पास रियल डेटा आ रहा होगा, सही है. खाम खा यहाँ पर डेटा चेंज होगा, सही है. हर एक के लिए डिफरेंट डेटा आ रहा होगा, डेटाबेस से आ रहा होगा या जो लोकल स्टोरेज है वहां से आ रहा होगा. सही. तो अब हमारे पास वो है. अब अगर आप इसमें देख लें म्यूजियम में, तो म्यूजियम में हमारे पास कितने फील्ड्स हैं. इसमें हमारे पास जो है ना नेम है, सही है. उसमें फिर हमारे पास जो है ना उसका एड्रेस है, उसका इमेज है, तीन चीजें हैं, सही है. तो अगर मैं ये कर लूँ कि ये जो म्यूजियम टाइल है इसको मैं रन टाइम पे वैल्यू पास करूंगा कंस्ट्रक्टर में, सही है, और उसी के मुताबिक मुझे यहाँ पर ये जो जो टाइल है वो मुझे दिखा देगा, सही है. तो यहाँ पर तीन चीजें होगी, एक टाइटल हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइटल, ओके, मैंने ये उल्टा लिख दिया है, चलें फाइनल स्ट्रिंग ऑलरेडी है पर तो स्ट्रिंग ही समझ लें. बट जो बेस्ट रूल है वो ये है कि आप मेंशन करें कि इसका टाइप क्या है. सॉरी, मैंने गलत जगह मेंशन कर दिया है. फाइनल स्ट्रिंग, सही है. एक टाइटल है, एक हमारे पास इसका एड्रेस हो गया, सही है, एक इसका इमेज यूआरएल हो जाएगा, सही है. इमेज यूआरएल जो कि हम फॉर टाइम ही यूज नहीं कर रहे, सही है. और ये हम किसमें पास करें इसको, ये कंस्ट्रक्टर है ना म्यूजियम टाइल में, उसको पास करना है म्यूजियम टाइल, और यहाँ पर इसको हम ऑप्शन ऑप्शनल आर्गुमेंट पास करते हैं, सही है, ऑप्शनल और पोजिशनल आर्गुमेंट्स. ओके, सो दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट एड्रेस एंड दिस डॉट इमेज यूआरएल, तो कंस्ट्रक्टर में हम ये तीनों फील्ड इसको पास कर रहे हैं, सही है. और इन्हीं फील्ड्स को यूज करते हुए फिर हम यहाँ पर जो हमने वैल्यू सेट किए हुए हैं ना, ये जो नेम है या इमेज यूआरएल है या जो नीचे जो एड्रेस आ रहा है, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर स्टोर करें, सॉरी यहाँ पर हम डिस्प्ले करें, इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर फिर यूज करें, सही है. तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक टाइल बनाता हूँ, ये मेरा टाइल बनाया हुआ है, तो उसको मैं क्या पास करूंगा, टाइटल फर्स्ट पास करूंगा. सो दिस इज लेट सपोज पेशावर म्यूजियम, सही है. उसके बाद मैंने क्या पास करना है, उसके बाद मैंने एड्रेस पास करना है, सही है. तो मैं करता हूं इसको जेल रोड पिशावर, और उसके बाद उसका ये एमएज यूआरएल है, सो एमएज यूआरएल, सही है. एक तरीका तो इसका ये है कि हम इस तरह इसको वन बाय वन वैल्यूज पास करें, सही है. लेट सपोज ये डेटा मेरे पास डेटाबेस से आ रहा है, सो इन सारी चीजों को फिर मैनेज करना वहां पे मुश्किल हो जाता है कि आप एक एक को अलग अलग से मैनेज करें, सही है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डेटा मॉडल्स बनाते हैं, सही है. तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लें, अभी तो हम यूआई में काम कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं कोर के नाम से, सही है. तो उसमें जो जो लॉजिक वाली चीजें होगी या जो डेटा मॉडल्स होंगे वो सारे वहां पे हो जाएंगे, सही है. वहां पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल्स, सही. और इस मॉडल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं म्यूजियम का एक क्लास बना देता हूँ, सही है. तो इसको मोस्टली जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं और या डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम डेटा मॉडल्स बोलते हैं, सही है. तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक डेटा मॉडल बनाता हूँ.
नाम इसको क्या दें, नाम इसको म्यूजियम, सही क्लास म्यूजियम। तो एक म्यूजियम का जो डाटा है उसमें क्या क्या मौजूद है हमारे पास, स्ट्रिंग टाइटल है, सही है, स्ट्रिंग एड्रेस है एंड स्ट्रिंग इमेज यूआरएल है, सही है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास म्यूजियम के डाटा मॉडल में, सही है। और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में हम इसको पास करते हैं दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट एड्रेस एंड दिस डॉट इमेज यूआरएल, सही है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने ये तीनों चीजें इसको पास कर दी, सो अंटिल नाउ दिस इज गुड, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो म्यूजियम का टाइल है ना, इसको ये तीनों फील्ड पास करने के बजाय हम क्या करें, हम इसको एक फील्ड पास करें और वो क्या हो, म्यूजियम का फील्ड हो, सही है। फाइनल म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट इसको पास कर दें, म्यूजियम, और इसको बस एक ही फील्ड है, उसको पोजिशन की वजह हम डायरेक्टली म्यूजियम पास करते हैं, सही है। इसको इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा यहां तक हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो फील्ड्स हैं इसके ये पेशावर, ये जो नाम है पेशावर सिटी का, तो इसको मैं क्या करता हूं, म्यूजियम डॉट उसका जो टाइटल है, म्यूजियम का जो टाइटल है, सही है। तो यहां पर मेरे पास टाइटल शो होगा जो उसको मैं पास कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट, सही। यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, इसको हम नल सेफ्टी बोलते हैं, चले इसको फॉर टाइम मीन नहीं करते हैं, इसको किसी और टाइम पे जाके डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास ये एड्रेस है ना, तो यहाँ पे ये जो जेल रोड का पेशावर का जो एड्रेस है वो मैं वहां से डायरेक्टली उठा लेता हूँ, म्यूजियम डॉट एड्रेस, सही है। तो म्यूजियम का एड्रेस भी यहाँ पे आ गया, म्यूजियम का नाम भी आ गया, इमेज यूआरएल है, बट राइट नाउ इमेज जस्ट वो हमने कंटेनर यूज किया हुआ है, तो सो दैट्स एनफ। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो म्यूजियम टाइल है ना, इसको हम क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है हमसे, सही है, क्योंकि हमने पोजिशनल आर्गुमेंट वहां पे दिया हुआ है, तो पोजिशनल वो रिक्वायर्ड होता है उसमें। सो इसको हम क्या पास करेंगे, एक एक वैल्यू के बजाय हम इसको पूरा एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फाइनल म्यूजियम इसको मैं चलो डायरेक्टली वैल्यूज पास कर देता हूँ, म्यूजियम फाइनल फाइनल म्यूजियम, और इसको मैं टाइटल इसका क्या रख दूं, मैं टाइटल पेशावर म्यूजियम, एंड इसका जो होगा एड्रेस जेल रोड पेशावर, सही है। बट दो फील्ड्स को मैंने पास कर दी, इमेज यूआरएल फॉर टाइमिंग में सेट नहीं कर रहा, सही है इसका। तो मैं इसको क्या पास करूंगा यहाँ पर, वेयर इज हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू, सो ये उसको जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया हुआ है ना, तो वो उसको मैंने पास कर दिया है, ये देखें, सही है। तो अब मेरे पास जस्ट वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, सही। अब यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन लेट सपोज मेरे पास मल्टीपल वो है, तो मल्टीपल भी लेट सपोज मैं सेम पास कर रहा हूँ, तो आप लेट सपोज आप सेम पास नहीं करते हैं, मल्टीपल और पास करते हैं, तो हम और बना लेते हैं, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर डेटा मॉडल का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है कि डेटा मॉडल हम क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमने जो म्यूजियम का जो डेटा मॉडल था वो बनाया था, सही है। अब हम डेटा मॉडल बनाते हैं इस लिस्ट व्यू पर, यूजुअली हमारे पास जो वर्टिकल लिस्ट व्यू है ना, जो एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन एंड न्यूज जो है, सही है, इसका हम एक डेटा मॉडल बनाते हैं, सही है। तो म्यूजियम का हमने बना लिया है, हम दोबारा मॉडल्स में जाते हैं, उसका एक डेटा मॉडल बनाते हैं। चले हम फर्स्ट का डेटा मॉडल तो बना लिया है, मेरे पास म्यूजियम था ना, सॉरी यहाँ पे होम स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है, सही है। तो मैं एक म्यूजियम की बजाय यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, सही, फाइनल लिस्ट
इसको मैं म्यूजियम्स इक्वल्स टू लिस्ट लिस्ट बनाता हूं, इसको पता है लिस्ट ऑफ म्यूजियम हो गया, इसको मैं क्या पास करता हूँ, एक लिस्ट बना के इसको पास करता हूँ, सही है। इसकी मिसाल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है, लेट सपोज इसको मैं करता हूँ स्ट्रिंग, सही है। लेट सपोज मेरे पास एक लिस्ट ऑफ, चले इसको मैं इसी को कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, सही है। लेट सपोज मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, सही है, तो इसको मैं स्ट्रिंग के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास करूंगा यहाँ पर। मेरे पास ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेट सपोज नेम टेक्स्ट टेस्ट, सही है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन रहा है, सही है। अब मैंने अगर लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स बनाना है तो मैं इसको यहां पर स्ट्रिंग्स के बजाय म्यूजियम का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, सही है। तो यहां पर एक म्यूजियम का, तो ये एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है, सही है। मैं एक और म्यूजियम इसमें डाल देता हूं, इसको मैं करता हूं लेट सपोज एबटाबाद म्यूजियम, सही है। इसको करते हैं हरिपुर, हरिपुर कर दिया इसको मैंने, सही है। बट अभी यहां पर मेरे पास जो लिस्ट था इसको मैंने वो वैल्यूज पास करना है, सही है। तो मैं म्यूजियम्स म्यूजियम्स का 8.0 जो है, सही है, एक इंडेक्स जीरो वो पास कर दिया मैंने, म्यूजियम्स ऑफ एज इंडेक्स वन एंड म्यूजियम्स एक इंडेक्स टू, सही है। तो ये आप देखें आपके पास जो जो मल्टीपल म्यूजियम्स हैं वो आ रहा है, सही है। फर्स्ट पेशावर है, दूसरा जो है ना एबटाबाद म्यूजियम है, और फिर हमारे पास हरिपुर का म्यूजियम है, सही है। तो वो सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तो बना लिया है, हो गया है। बट अब हम जब जैसे यहाँ पे ये लिस्ट पास कर रहे हैं ना, वी डोंट नो कि ये कैसे काम करेगा, सही है। क्योंकि हमें तो अब नहीं पता कि लिस्ट में हमारे पास कितने आइटम्स होंगे, कहाँ तक मैं ये 1, 2, 3 ये इंडेक्स वैल्यूज देता रहूंगा, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम एक इस लिस्ट को हम इटरेट करते हैं, फिर इसको मैप करते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो कि आज के हमारे टॉपिक्स में से हैं, सही है। हमारे टॉपिक्स में से है लिस्ट को इटरेट करना, सही है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं डार्ट पेड पे जाता हूं, डार्ट पेड डॉट डेफ, सही। इन चीजों को समझाने के लिए हम भी यहां पर थोड़ा सा काम करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लिस्ट के वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, सही है। लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स, और यहां पे मैं क्या करता हूं इसको str1, string 2, string 3, string 4 and string 5, सही। तो ये मेरे पास हो गया है strings। अब करना क्या है, मैंने इसको जितने भी strings हैं इसको मैंने print करना है, सही है। ओके तो मैं क्या करता हूं, लेट्स सपोज मैंने इसकी एक वैल्यू प्रिंट करनी है, सही है। तो मैं करूंगा स्ट्रिंग्स एट जीरो। तो हमारे पास जो इंडेक्स जीरो पे जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सही है। अब लेट्स सपोज मैंने जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसको मैंने यूज करना है कहीं पर, सही है।
तो उसका ऑप्शन मेरे पास क्या है? एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, सही है, जिस तरह हम अभी तक सी 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 प्लस उसमें लगाते आ रहा है, सही है, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई लेस देन स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, सही है, और मैं यहां पे क्या करूं, प्रिंट स्ट्रिंग्स एट एट आई, सही है, तो ये मेरे पास सारे स्ट्रिंग्स प्रिंट हो जाएंगे। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है, अब इसको मैं रन करता हूं। ओके, ये स्पेलिंग गलत है, एलियन जी, ये देखिए मेरे पास सारे स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रहे हैं, सही है, बट ये एक थोड़ा सा लेंथी तरीका है, सही है। अब यहां पर हमारे पास जो लिस्ट है ना, लिस्ट वो हमें एक शॉर्टकट तरीका प्रोवाइड करता है, और उसको हम बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं, सही है, स्ट्रिंग्स डॉट फॉर ईच, सही है, स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच, तो हम वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, सही है, और उसमें हमें एक एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, str। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अभी आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इसकी, स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच, और मैं प्रिंट str को मैं प्रिंट करता हूं, लिस्ट इज फ्रॉम डॉट फॉर फॉर ईच इज डिफरेंट प्लस स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच, ओके, स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ फॉर ईच का, ये देखें, सही है। अब ये क्या करता है, हमारे पास जो लिस्ट है ना, लिस्ट जिसको मैं करता हूं लिस्ट, सही है, इसको मैं लिस्ट कर दिया है, लिस्ट डॉट फॉर ईच, तो ये दोनों आप ये देखें, इसका और इसका काम सेम है, सही है, तो ये जो फॉर ईच का जो आपके पास हेल्पर फंक्शन है, ये आपका जो आपको जो लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली, सही है, तो मतलब आप इसके थ्रू इसके एक एक ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं, सही है, इसका एक ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं, उसको से हमें काम दे सकते हैं, सही है, तो एक हमारे पास तो एक ये था, सही, दूसरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इसको इटरेट करना था, सही है, तो इसको तो हमने दो दो, दो, दो तरीकों से इटरेट कर लिया है, जो कि बेस्ट तरीका है वो है हमारे पास लिस्ट डॉट फॉर ईच वाला, सही है, इससे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर हमें वो इंडेक्स और उन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, यार कि इसका इंडेक्स कौन सा चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली मुझे वन बाय वन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, सही, तो एक तो ये था, तो लिस्ट फॉर डॉट फॉर ईच भी हो गया है। अब जो दूसरा है वो है, हम करते हैं यहां पर, एक तो लिस्ट का इटरेशन करता है, इटरेशन तो हो गया है, सही है, दूसरा हमने सर्च करना है उसमें कि लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई आइटम मौजूद है या नहीं है, सही है, तो उसका हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर आपने इस लिस्ट के अंदर देखना है कि आपके पास स्ट्रिंग 5 मौजूद है या नहीं है, सही है, तो इसको आप एक तरीका तो ये कि आप इसको इस तरह इटरेट करें जिस तरह आपने यहाँ पे इटरेट किया हुआ है, सही है, अगर आपने ये चेक करना है कि इसमें str5 मौजूद है या नहीं है, सही है, और यहाँ पे आप चेक लगा रहे हैं कि एफ str5 सॉरी एफ str इज इक्वल्स टू str5, और आप यहाँ पे प्रिंट करें, यस, सही है, यस str5 इज प्रेजेंट, अच्छा ये क्या कर रहा है, प्रिंट इसका रिजल्ट देखा हुआ, सही है, वो बता रहा है कि यस str5 इज प्रेजेंट, इसको मैं अगर यहां से हटा दूं तो ये कहेगा कि यार str5 तो प्रेजेंट नहीं है, सही है, ये देखे कुछ भी नहीं आ रहा, सही, तो मैंने दोबारा से डाल दिया है, तो कह रहा है कि हाँ प्रेजेंट है इसमें, सही है, तो एक तरीका तो हमारे पास ही कि इसको मैं इस तरह यहाँ पे चेक लगा दूँ, सही है, जो शॉर्टकट है फिल्टर करने के लिए चीजों को, फिल्टर नहीं बल्कि सर्च करने के लिए, वो है मैं यहाँ पे लगा दूँ एफ लिस्ट डॉट कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट देता हूँ
fplist dot contains str 5, str 3 कर दिया चलो मैंने, तो क्या प्रिंट करें? अगर ये इसमें प्रेजेंट है तो अब प्रिंट करें yes str 3 is present, सही है। ये चलो इसको मैं कर देता हूं यहां पे, मैं वो बनाता हूं फाइनल कीवर्ड str 3, सही है, इसको मैं यहां पे कीवर्ड कर देता हूं। अगर ये कीवर्ड उसके अंदर मौजूद है तो आप बता दें डॉलर कीवर्ड, सही है। str3 is present, सही है। अगर वो प्रेजेंट है तो बता दें, एल्स आप ये कर दें कि नो is not present, sorry मैं जो शॉर्टकट की कमांड्स है वो यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ बार बार। तो ये कह रहा है कि str3 उसमें प्रेजेंट है, सही है। इसे इसको मैं करता हूँ str7, ये देखें str7 is not present हो गया, सही है। तो ये जो कंटेन का कीवर्ड है, इसमें आप इसके थ्रू आप लिस्ट में सर्च कर सकते हैं कि आपके पास लिस्ट के अंदर यहाँ पर कुछ मौजूद है या नहीं है, सही है। तो कंटेनर का कीवर्ड आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड हमारे पास है, चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं ना, इसको मैं कर देता हूं, ये हो गया हमारे पास इटरेशन, लिस्ट इटरेशन, सही है। सर्चिंग इन लिस्ट, सही है। अब जो थर्ड हमारे पास सेक्शन होगा वो है फिल्टरिंग लिस्ट, सही है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं यहां पर एक कीवर्ड रखता हूं, str का कीवर्ड जो है, सही है, और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि लेट सपोज अगर मेरे पास मैं चेक करता हूं कि ये कीवर्ड जिन जिन उसमें जिस स्ट्रिंग में मौजूद है उस स्ट्रिंग को आप उठा लें, सही है, और बाकी को आप छोड़ दें। ये चलो इसको मैं करता हूं ज्यादा सिंपलीफाई कर देता हूं, इसको मैं स्ट्रिंग वन कर देता हूं, इसको मैं स्ट्रिंग वन कर देता हूं, इसको मैं स्ट्रिंग वन कर देता हूं, बाकी फोर एंड फाइव है, सही है, और कीवर्ड में रखता हूं राइट नाउ स्ट्रिंग वन। अगर मैंने ये फिल्टर आउट करना है कि मेरे पास वो स्ट्रिंग्स यहां से उठा दो, सही है, जो हमारे पास str1 है वो स्ट्रिंग्स मेरे पास उठा दें, सही है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फिल्टर, मतलब हमें एक फिल्टर्ड लिस्ट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइनल फिल्टर्ड लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट डॉट वियर। तो वियर हमारे पास क्या करेगा, वियर हमें यहाँ पे वियर को हम यहां पे एक वो प्रोवाइड करेंगे, अच्छा वियर में क्या है, वियर में ये हमें देगा एक आइटम, जिस तरह हमने यहां पे ट्रेड किया था इसको फॉर ईच, सही है, तो ये हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, सही है। तो ये अगर हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है तो यहां पे हमने इसको क्या रिटर्न करना है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेंगे यहां से, सही है। एफ string equals to keyword, सही है, तो return true कर दें, सही, else return false, ये देखें। तो अब ये जो list होगा ये automatically where का जो keyword है ना उसी के basis पे हमारे पास, अगर हम यहां से true return करते हैं तो वो जो value है, let's suppose ये जो string है वो फिल्टर आउट करके उसमें ऐड कर देगा, सही है। लेकिन इसको यहां पे एक और लगाना होता है टू लिस्ट, वापस इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है, सही। अच्छा, अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से, जो फिल्टर्ड लिस्ट है उसको प्रिंट करते हैं दोबारा से,
इसको मैं यहाँ पे लिस्ट के इसको मैं फिल्टर लिस्ट कर देता हूँ। ये देखें तो यहां से जो जिस जिसमें स्ट्रिंग वन आ रहा है ना उसको यहां से फिल्टर आउट करके उसने यहां पे डाल दिया है। str5 is present. What the hell? कीवर्ड हमारे पास str1 है। ओ सॉरी हाँ मैं भी सोच रहा हूँ क्या मसला है। $str ये देखें जो उसने यहाँ पर जिस जिसमें str1 मौजूद है ना उसको फिल्टर आउट करके उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सही है क्लियर है। अब इसका हमारे पास ये जो देखें यहाँ से हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी है हमारे पास। सही है तो वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है वो ये है मतलब हम अगर हम वन लाइनर यहाँ से हमने रिटर्न करना है ना तो हम ये डायरेक्ट जो एरो का जो कीवर्ड है जिसको भी हम लगा सकते हैं। सही है तो इसमें हम क्या चेक कर लेंगे सिर्फ str equals to what keyword तो ये इसका शॉर्टकट भी है इस तरह भी इसको कर सकते हैं। सही है मतलब अगर ये string equal to keyword है तो यहां से true return होगा otherwise false return होगा। सही है तो ये हमारे पास उसका शॉर्ट फॉर्म भी आ रहा है तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब कीवर्ड हमारे पास वही स्ट्रिंग वन है जैसे वो कीवर्ड को मैं करता हूँ str2 इसको मैं करता हूँ str1 है तो इसको भी मैं टू कर देता हूँ इसको भी मैं टू कर देता हूँ। सही है तो वो उन दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। सही है अब मैं थोड़ा एडवांस के एडवांस फिल्टरिंग पे नहीं जा रहा यहाँ पे बट आपको मैंने आइडिया दे दी है कि इसकी हम फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। सही है और इसी के बेसिस पे आप ये अपने अपना आपका जो डेटा है ना उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। क्लियर सो हमने यहाँ पर फिल्टरिंग भी कर दी कि हमने फिल्टरिंग कैसे करनी है। जो हमारे पास जो आखिरी है वो है मैपिंग। एक लिस्ट को हम दूसरे लिस्ट में मैप कर सकते हैं। सही है मैं तो चले मैपिंग चले सही है मैप भी करते हैं इसको। एक्चुअली मैपिंग और डॉट फॉर ईच दोनों का काम तकरीबन सेम है एक ही तरह से काम करते हैं। सही है बट मैप हमें पूरे एक लिस्ट मैप करके देता है। सही है सही। और लेट सपोज हम करते हैं एग्जांपल करते हैं। सही है लेट सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है ना यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास बनाता हूँ क्लास नेम के नाम से। सही है और यहाँ पे उसको मैं देता हूँ फर्स्ट इसको नीचे कर लेते हैं इसको मैं करता हूँ string first सही है एंड string last क्लियर ओके। और ये सारे लेट सपोज ये आपके पास क्या है ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम्स है। सही है अब इन नेम्स को आपने मैप करना है लिस्ट ऑफ नेम्स में। सही है इससे आपने डायरेक्टली क्या बनाना है लिस्ट ऑफ नेम्स बनाना है। सही है तो उसको हम किस तरह मैप कर सकते हैं चलिए उसको मैं मैप करता हूँ तो हम किस तरह कर सकते हैं लेट सपोज मैं करता एक और लिस्ट बनाता हूँ। सही है लिस्ट ऑफ नेम सही उसको मैं करता हूँ नेम्स और सही है इसको मैं फॉर टाइम बीइंग रखता हूँ एम्प्टी क्लियर। तो इस डेटा को मैप करने का हमारे पास यह तरीका है। एक तरीका तो हमारे पास ये है ये हमारे पास लिस्ट है ना ये जो लिस्ट है नेम्स का जो लिस्ट है एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं लिस्ट डॉट फॉर ईच और यहां पर मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगा ना फॉर ईच मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगा यहां पर और इसके अंदर मैं क्या करता हूं जो नेम्स है नेम्स डॉट एड और मैं एड में एक नेम एड करूंगा ना नेम और उसको मैं उसका मैं फर्स्ट करता हूं चलिए इसका एक कंस्ट्रक्ट रखते हैं
लेट्स सपोज मेरे पास ये है दिस डॉट फर्स्ट एंड दिस डॉट लास्ट सॉरी सो मैं क्या करता हूं यहां पे इसका फर्स्ट है उसको मैं ये स्ट्रिंग पास करता हूं सही है तो मतलब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं इसमें मैं डायरेक्टली एक एक ऑब्जेक्ट वन बाय वन ऐड कर रहा हूं सही है तो इस लिस्ट से क्या बन जाएगा ये लिस्ट ऑफ नेम्स बन जाएगा सही है और इसको फिर अगर आप लोग प्रिंट करना चाहें तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं लेट्स सपोज मेरे पास इसको मैं करता हूं नेम्स सही है तो मेरे पास नेम आ जाएगा सही है और मैं करता हूं यहां पे नेम डॉट फर्स्ट को प्रिंट करता हूं यहां पे ये देखें आप लोग अभी सही है ये देखें इसको करने के बजाय मैं क्या करता हूं यहां पे फर्स्ट ये देखें सही है तो आपके पास वो सारे फर्स्ट नेम आ रहे हैं क्लियर तो यहां पर हमने क्या किया है इसको हमने मैप कर दिया है मतलब एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से हमने लिस्ट ऑफ नेम्स बना दिया है सही है तो इसको हम बोलते हैं मैपिंग सही है तो मैपिंग का एक तरीका तो ये है जिस तरह हमने यहां पर किया है इसका एक और शॉर्टकट तरीका है वो हम डायरेक्ट मैप का फंक्शन यूज करते हैं सही है तो मैं क्या कहता हूं लिस्ट डॉट मैप और मैप हमने क्या करना है यहाँ पे जिस तरह हमारे पास फॉर ईच का काम करता है सही है तो मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगा यहां से और यहां से मैं रिटर्न क्या करूंगा नेम और नेम का मैं फर्स्ट करता हूं अब ये देखें ओके एक और सॉरी यहां पे इसको टू लिस्ट करना पड़ेगा ये इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा हमारे पास मैप में था ये क्यों नहीं कर रहा काम चलें इसको करते हैं ये हमारे पास मैप बनेगा लिस्ट ऑफ ओके सॉरी ये हमने मैप तो किया है बट किसी चीज को असाइन नहीं किया ना तो उसको मैं करता हूं फाइनल सॉरी फाइनल नेम्स नहीं बल्कि नेम्स सही है ये हमारे पास मैप होके नेम्स में चला जाएगा तो दोनों आपके साथ तकरीबन तकरीबन दोनों का काम तकरीबन सेम आ रहा है सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर आई थिंक यू आर हैविंग क्वेश्चंस ओके सो तो यहां पर हमने कितनी चीजें डिस्कस की है इटरेशन सर्चिंग फिल्टरिंग और मैपिंग सही है सर मैप एक वेरिएबल टाइप की है जिसमें सर ये की वैल्यू पेयर सही है वो मैप अलग है वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है सही है ना ये हमारे पास एक फंक्शन है हेल्पर फंक्शन है लिस्ट का सही है जो मैप का फंक्शन है So, यहां पर हमने ये सारी चीजें जो लिस्ट की हैं वो डिस्कस कर ली है सही है इटरेशन सर्चिंग फिल्टरिंग सही है तो ये सारी चीजें यहां पर हमारे पास हो गई है अब ये जो मैपिंग का जो कंसेप्ट है ना वो अभी मैं यहां पर अपने यहां पे अपने कोड में भी हम यूज करेंगे सही है अब हमें यहां पे क्या चाहिए ओके यहां पे मेरे पास हमारे पास क्या है लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स है सही है अब मुझे लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स का तो नहीं पता कि मेरे पास कितने म्यूजियम्स होंगे यहाँ पे सही है तो मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता ये जो तरीकेकार है ना ये तरीकेकार ठीक नहीं है सही है बल्कि मैं क्या करता हूँ ये लिस्ट है ना इसको मैं डायरेक्टली मैप कर देता हूँ मेरे पास जो ऊपर म्यूजियम्स का जो लिस्ट था ना म्यूजियम्स डॉट मैप सही है तो मैप क्या देगा मुझे ये मुझे वो एक म्यूजियम दे रहा है ई जो है E को मैं एम कर देता हूं सही है वो मेरे पास म्यूजियम है और यहां से मैं क्या रिटर्न करता हूं मेरे पास तो वो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया है यहां पर सही है
अब मैं यहां से क्या रिटर्न करूंगा, म्यूजियम का टाइल, म्यूजियम टाइल, और उसको मैं म्यूजियम पास कर दूंगा, एम पास कर दूंगा, और उसको आप टू लिस्ट कर दें, लिस्ट में कन्वर्ट कर दें। ये देखें एग्जैक्टली सेम काम करेंगे दोनों। तो इसको तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, अभी अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें मेरे पास वही एग्जैक्टली सेम लिस्ट आ रहा है, सही, जिसको मैंने मैप किया था। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और ऐड करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसको मैं करता हूँ मन से रखा होता हूँ, चलिए इसको ये देखें, आपके पास वो मानसेरा का भी ऐड हो गया है इसमें, सही है। ये देखें तो यहां पर हमने एग्जैक्ट वही मैपिंग का कंसेप्ट यूज किया हुआ है। ये देखें मेरे पास वो लिस्ट था, उसको मैंने मैप किया है किसमें, म्यूजियम टाइल में, सही है। मेरे पास लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स था, मैंने उसको म्यूजियम टाइल में मैप कर दिया है। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है इस वर्ड का, तो आपको मैं सिंपली समझा दूं कि इसका मतलब यह है कि मैं यहां से क्या रिटर्न करूं, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं, रिटर्न, सॉरी, इसको मैं इस तरह लिख दूं, ये सही है। अब दोनों का मतलब सेम है, बट वो जो एरो का जो कीवर्ड है ना, वो हमारे पास शॉर्टकट है वन लाइन रिटर्न करने के लिए, सही है ना। वन लाइन फंक्शन इसको बोलते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट वो फंक्शन है तो उसको हम उस तरह कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको मैं इस तरह करने के बजाय सही है, तो ये मेरे पास उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास इसको हमने मैप कर दिया है, सही है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया इसको मैप करना। अब हमारे पास ये जो नीचे का जो लिस्ट है, ये हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसको फिर हम दोबारा से एक तरीका तो हमारे पास ये मैपिंग का है कि हम उसको हमारे पास लिस्ट भी हो और उसको फिर हम बाद में मैप कर लें इस तरह, तो ये हमारे पास डायनेमिक आ जाएगा सारा डेटा, सही है। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफॉल्ट लिस्ट व्यू, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, डिफॉल्ट लिस्ट व्यू यूज किया हुआ है, अच्छा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे एग्जीबिशन का टाइल चाहिए ना, सही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीबिशन का यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एग्जीबिशन का एक डेटा मॉडल बनाता हूँ, सही है, एग्जीबिशन क्लास, एग्जीबिशन एग्जीबिशन में हमारे पास क्या है, एक जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग एमएच यूआरएल है, और उसके बाद हमारे पास है डेट, एंड उसके बाद है टाइटल, एंड उसके बाद है एड्रेस, सही है। इसको हम लोकेशन, फिर एड्रेस भी सही है, एड्रेस, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एग्जीबिशन, और इसको डेट, अच्छा यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूँ, शॉर्टकट अगर आपने करना है ना एंड्रॉइड शू यूज कर रहे हैं, राइट क्लिक करें, जनरेट कंस्ट्रक्टर, इसको ऑल सेलेक्ट करें, आपके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, सही है। एक शॉर्टकट इसका ये भी है, इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ, इसको मैंने ऑप्शनल कर दिया है सारे को। सो तो हमारे पास ये एग्जीबिशन हो गए, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जीबिशंस का भी एक वो लिस्ट बना देता हूँ, फाइनल लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन एंड एग्जीबिशंस इक्वल्स टू, हमारे पास एक लिस्ट होगा, सही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एग्जीबिशन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो उसका मैं टाइटल रखता हूँ
Shaori food festival again. Sahi? Festival. तो ये उसका टाइटल हो गया है. अब उसका एड्रेस करते हैं नमक मंडी. सही है? ये उसका एड्रेस हो गया है एंड उसके बाद उसका होगा डेट. तो डेट हम कर देते हैं 14 अगस्त 2021. सही है, 14 अगस्त को आप सारे लोग आ जाए तो कोई ना कोई आपको खिला देगा वहां पर. सो टाइटल एड्रेस डेट एंड उसके बाद उसका एमएचयूआरएल की जरूरत नहीं है राइट नाउ. सही, वैसे भी हम उसको यूज नहीं कर रहा. सही, तो ये हमारे पास जो है ना, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है. बल्कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. अच्छा, इसको मैं करता हूँ पिशावर फूड फेस्टिवल की वजह से मैं कर देता हूँ. चले फॉर टाइमिंग मेरे ध्यान में यही नाम जा रहा है, इसको मैं करता हूँ बनू. अच्छा, तो मेरे पास ये एक लिस्ट बन गई है. सही, लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन. सही है, अब एग्जीबिशन टाइल जो है इसको मैं क्या पास करूंगा, मैं वो एग्जीबिशन का ऑब्जेक्ट पास करूंगा इसको. सही है, एग्जीबिशन एंड इसको मैं फाइनल कर दूंगा. तो यहां पे इसको एग्जीबिशन पास हो जाएगा. सही है, अब ये जो डेट होगा तो डेट हमारे पास वही आएगा जहां जो हमने पास किया हुआ है. एग्जीबिशन डॉट डेट, ये उसका टाइटल हो गया. एग्जीबिशन डॉट टाइटल एंड ये उसका एड्रेस. सही है, बस दैट्स एनफ. सो अब होम पे आके यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, एग्जीबिशंस का वो. तो एग्जीबिशंस एट जीरो. सही है, लेकिन ये हमारे पास एक तरीका सही नहीं है. एक तरीका तो हमने ऊपर मैपिंग वाला कर दिया है ना, वन इसको टू कर देता है. सही है, ये देखें पिशावर फूड फेस्टिवल, फूड अहमदाबाद फूड फेस्टिवल, तो वो सारे आपके पास अभी वो डायनेमिक रेट आ रहा है. सही है, फुली डायनेमिक तो नहीं है बट जो लिस्ट हमने ऊपर बनाई है वो आपके पास वो लिस्ट आ रहा है यहाँ पर. सही है, अच्छा अब इसमें ये हमारे पास ये सही तरीका नहीं है. एक हमने ऊपर मैपिंग कर दी है, मैप करने का. सही है, दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का. तो बिल्डर हमारे पास क्या होता है, बिल्डर यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन देता है हमें बिल्डर का. सही है, और बिल्डर में हमें ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और इंडेक्स प्रोवाइड करता है. और इसको हम क्या रिटर्न करते हैं यहाँ से, जो हमने प्रिंट करना है, सॉरी जो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करना है. तो ये हमें हमारे पास ये इसका तरीका वही मैपिंग का तरीका ही है. हमें इंडेक्स देता है और उसी इंडेक्स पे हम इसको एक जो यूआई कंपोनेंट है वो बना के देता है. सही है, अब मैं यहाँ से क्या रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एग्जीबिशन टाइल करता हूँ. एग्जीबिशन टाइल और इसको मैं एग्जीबिशन कौन से वाला पास करूंगा, एग्जीबिशन एट इंडेक्स. ये देखिए आपके पास एग्जिट सेम आउटपुट आ रहा है दोनों को. सेव हो जाए. ओके कम ऑन. तो दोनों का आपके पास आउटपुट सेम आ रहा है. सही है, क्लोज करके रिस्टार्ट कर लेते हैं. सो दोनों का आपके पास आउटपुट सेम होगा. क्लियर, और इसको शॉर्टकट बनाने के लिए आपको मैंने बताया था ना कि हम इसको क्या कर देते हैं, इसको वो एरो का कीवर्ड लगा के इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं. वन लाइनर है हमारे पास. सही है, तो इसको मल्टीपल ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा. सही है, इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है और इस इंडेक्स पे हम जो एक ऑब्जेक्ट है वो बना के इसको दे रहा है.
अच्छा यहाँ पे एक चीज जरूरी है, आइटम काउंट देनी होती है इसमें। अगर आपने लिस्ट डॉट बिल्डर यूज करते हैं ना, तो उसको बताना होता है कि मेरे पास जो लिस्ट है उसका काउंट कितना है, उसका आइटम काउंट कितना है। सो एग्जीबिशन डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ। ओके सो यहां तक हमारा जो मेन आपका जो वर्किंग था ना, वो हमारी जो मेन वर्किंग थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है इस ऐप के लिए, सही है। अब इसमें जो और अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो डेटा उठाना होगा, कहाँ से? डेटाबेस से, सही है। डेटाबेस से डेटा उठा के फिर उसको उस डेटा को इस तरह मैप करके एक लिस्ट बना के, सही है, और फिर उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, सही। तो अभी कुछ देर बाद हम वो भी करते हैं, बट हम एक्चुअली डेटाबेस से डेटा नहीं उठाएंगे, हम वही से डेटा रिटर्न करेंगे एक और फंक्शन से, सॉरी एक और क्लास से, एक और हम सर्विस बना के वो सर्विस हम डेटा यहाँ पे रिटर्न करेंगे, सही है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ये देखें आपके पास होगी आप पूरी लिस्ट एग्जैक्टली मिल गई है, सही है। अगर मैं इस लिस्ट में एक आइटम और एड करता हूँ, आपको आपको यकीन हो जाए कि ये सही काम कर रहा है, सही है। इसको मैं करता हूँ लाहौर, करते हैं यार वो कौन सा छोड़ दो, लाहौर में गाने की जगह कौन सी है, चलें इसको करते हैं बट्टा चौक करते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या है, चलें एनी हाउ। तो इसको सेव करने के बाद आपके पास ये नीचे ये देखें लाहौर का वो फेस्टिवल आ रहा है, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा ना, ये डेटा किसी लोकेशन से आ रहा होगा हमारे पास, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा हमने डेटाबेस से उठाना है, सही है। अब डेटाबेस से डेटा हमारे पास तो एक ऑप्शन ही है कि हम यहीं पे बैठ के यहाँ पे एक फंक्शन लिख लें और उस डेटाबेस को यहीं से डेटा उठा लें, सही है। बल्कि जब तो ये तरीका हमारे पास जो है ना एफिशिएंट नहीं है, ये हमारे पास एक गुड प्रोग्रामिंग और गुड जो है ना वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रैक्टिस नहीं है, सही है। गुड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्रैक्टिस ही है कि आप उसके लिए अलग अलग सर्विसेज बना दें, सही है। तो हम जो यूज करेंगे अब मॉडल्स हैं यहाँ पे, हम एक और फंक्शन बनाते हैं सर्विसेज का, सॉरी यहाँ पर हमने बनाना है एक, यहाँ पे हम करते हैं सर्विसेज, सही है। और यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ डेटाबेस सर्विसेज के लिए, सही है। तो डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो हम यहीं पे करेंगे, सही है। यहाँ पे एक फंक्शन होगा उसको हम जस्ट वहां से कॉल करेंगे, वो यहाँ पे वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, सही है। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे गेट म्यूजियम्स, सही है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट म्यूजियम्स, सही है। ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, एक लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स, सही है। अभी इसकी मर्जी है ये डेटा इसने कहाँ से उठाना है, सही है। वो रिमोट डेटाबेस से जिस डेटाबेस से भी उठाता है वो उसकी मर्जी है, सही है। ये हमारा एनकैप्सुलेट हो जाएगा, इसके साथ हमारा काम नहीं रहेगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डेटा हम यहां से उठा के वहां पे रिटर्न करते हैं, सही है। हम इसको थोड़ा सा सिमुलेट करेंगे डेटाबेस के तर्ज पे, क्या डेटाबेस से हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम उसका वेट करेंगे डेटा को, सही है। डेटा का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम जब डेटा हमारे पास आ जाएगा तब हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, सही है। तो इसको हम इसी तरह थोड़ा सा सिमुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली डेटा रिटर्न नहीं करूंगा, ये डेटा मैं रिटर्न करूंगा थोड़ा टाइम बाद। अच्छा अजान हो रही है, अजान का वेट करते हैं उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग बैक,
चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं फॉर टाइमिंग, जस्ट वी गेट म्यूजियम्स का फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेंगे, ये हमें ये म्यूजियम यहाँ से रिटर्न करके देंगे, सही है, रिटर्न म्यूजियम्स, सही है। हम एक और फंक्शन बनाते हैं लिस्ट, जो कि हमें क्या क्या रिटर्न करेंगे, एग्जीबिशन, सही है, गेट एग्जीबिशन, वो हम यही लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं, कहाँ पे ये है, इसको हम यहाँ से उठा के डेटाबेस में ले आते हैं यहाँ पे, सही है, और यहाँ से इसको रिटर्न करते हैं एग्जीबिशन को, क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टेटलेस था ना, इसको हम स्टेटफुल में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट हम डेटा लेंगे, सही है, और उसके बाद फिर हम उसी डेटा को हम पॉपुलेट करेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ फाइनल, फाइनल तो नहीं, चलो लिस्ट ऑफ म्यूजियम, इसको फॉर टाइमिंग में स्टार्ट में एम्प्टी करता हूँ, सही है, एम्प्टी रखता हूँ, म्यूजियम्स एंड एग्जीबिशंस, उसको मैंने फॉर टाइमिंग एम्प्टी रखा हुआ, सही है। तो जब अब ये देखें, आपको मैंने बताया था कि बिल्ड से पहले हमारे पास क्या था, इनिट कॉल होता है, सही है। तो इनिट में क्या करेंगे, हम इनिट में डेटा उठा लेंगे फर्स्ट, सही है, इनिट में हम क्या कर लेंगे, डेटा उठा लेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस सर्विस का वो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सही है, फाइनल अंडरस्कोर डीबी सर्विस इक्वल्स टू डेटाबेस सर्विस, सही है। एंड फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूजियम्स इक्वल्स टू डीबी सर्विस डॉट गेट म्यूजियम्स, तो म्यूजियम का डेटा हमारे पास वहां से आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो एग्जीबिशन है ना, वो उसका डेटा हमारे पास गेट एग्जीबिशन से आ जाएगा, अब ये देखें हम बैक जाते हैं वापस, मैं अगर दोबारा स्क्रीन पे आता हूँ तो ये देखें अब ये डेटा वो कहां से उठा रहा है, अब ये देखें आपका सारा कोड आपका काफी सारा क्लीन हो गया है, सही है, हमारे पास जस्ट लिस्ट ऑफ म्यूजियम है, इसका डेटा एक खास फंक्शन से आ रहा है, सही है। अब इस ये जो क्लास है, इसका इस डेटाबेस सर्विस का कोई काम नहीं है, सही है, यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ कर, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो प्रिंसिपल है ना, उसको एक हमारे पास है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के नाम से है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चले उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट हम ये है उसका खुलासा ये है कि आपने स्पेसिफिक काम्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उसको अलग रखना होता है, सही है। हाँ नहीं नहीं वो अलग है, वो डिजाइन के जो प्रिंसिपल है वो अलग चीज है, तो उसमें ये है कि आपने जो रिलेटेड चीजें हैं वो अलग रखनी है। अब डेटाबेस का जितना काम है ना वो डेटाबेस सर्विसेज का काम होगा, उसके बाद आपका काम नहीं है, सही है। ये आपका सर दर्द नहीं है कि डेटाबेस आपको डेटा उठा के कहाँ से देता है, कहाँ से आपको उठा के देता है, बस उसने आपको एक लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स प्रोवाइड करना है, उसने आपको एक लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन प्रोवाइड करना है, सही है। अब आपका उसका कोई काम नहीं कि वो कैसे करता है उसको, सही है। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न बोलते हैं, तो आप उसका कंसर्न अलग है, आपका कंसर्न अलग है, आपका आप ये जो क्लास है इसका कंसर्न क्या है कि इसके बाद जो डेटा आ रहा है उसको हमारे पास हमारा जो यूजर है उसको डिस्प्ले करना है, सही है। अब इसका कंसर्न क्या है, इसका कंसर्न डेटा से डेटा उठा के जो फंक्शन इसको कॉल करेगा, जो क्लास इसको कॉल करेगा, इससे डेटा लेगा, उसको डेटा लेके देना है, सही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सही है। सो I think that's all we have for today, and I think that's enough as well. आज हमने काफी कोर की चीजें की हैं, हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में जाएंगे, और भी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, काफी तरीके हैं एक्सप्लोर करने के लिए इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आज के लिए जो हमने काम किया है वो क्लियर है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम, आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चन फॉर लाइक फॉर अराउंड 5 मिनट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन
Most welcome. Otherwise, if you don't have any questions, just let me know so that I can end this session. So this is all we have today. जी सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पे तो हम खुद उसको बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं जो लोकेशन है म्यूजियम्स वगैरह तो इस तरह हम कर सकते हैं कि जो ही हम इसको अपना लोकेशन दे दें तो ये गूगल से खुद ब खुद जो लोकेशन होते हैं म्यूजियम्स के वगैरह सब कलेक्ट करके हमें डिस्प्ले करें वो बिल्कुल पॉसिबल है एग्जैक्टली पॉसिबल है उसके लिए जो गूगल की APIs हैं वो यूज करनी होती है सही है अच्छा हाँ गूगल की APIs है वो यूज करनी होती है जिस तरह हम यहाँ से डेटाबेस सर्विसेज है ना डीबी सर्विस रॉकेट म्यूजियम्स तो यहाँ पे आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी यहाँ पे सही है आप यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे आप गूगल की जो API होगी उससे डेटा रिक्वेस्ट करेंगे आपके पास डेटा आएगा और फिर डेटा को आप फॉर्मेट करके म्यूजियम्स के लिस्ट के फॉर्म में उसको यहाँ से आप रिटर्न करेंगे तो पॉसिबल है बट राइट नाउ उसको हम नहीं कर रहे हैं करेंगे थोड़ा सा बाद में करेंगे सही है हम गूगल से तो नहीं उठाएंगे बट जो डेटाबेस की चीजें हैं वहां से उठाएंगे फिर आपको मैं हमारा एक और होगा कस्टम नेटवर्किंग है उसमें कस्टम डेटाबेस को भी काम करना है तो उसमें वो चीज मैं डिस्कस करूंगा APIs वगैरह के साथ आप लोगों ने काम कैसे करें सही है ओके सर तो फॉर नाउ दिस इज ऑल वी हैव एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड यू लर्न समथिंग न्यू फॉर हियर टुडे सर